तो एफआई नौगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। देखिए शेड्यूल में आज आपको एक्चुअली एक वाइज अप ऐप के थ्रू एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सर्कल्स का चैप्टर है उसमें आप चंद ही क्वेश्चंस करने बाकी रह गए, तो मैंने सोचा कि पहले चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ आने थे, लेकिन कोई इश्यू हो गया उस वक्त वीडियो में, कुछ फॉल्ट आ गया तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन जो है रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इनकी मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं। और क्या आप कॉपरेट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो वाइज ऐप मीट है वो मंडे को होगी, मंडे के बाद आपका एग्जाम होगा और साथ ही नोटबुक चेकिंग होगी और उसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये है, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। देखिए बेटा दो राइट ट्रायंगल्स है, एक है राइट ट्रायंगल एबीसी, देखिए राइट ट्रायंगल एबीसी विद हाइपोटेन्यूज AC एंड वी हैव अनदर ट्रायंगल एडीसी विद सेम हाइपोटेन्यूज एसी। तो दो ट्रायंगल्स है, इनका हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, हाइपोटेन्यूज एसी। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी ए डी, यानी ये वाला एंगल सी ए डी, इट इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। इसके लिए हमें बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, सी बी डी ये वाले एंगल, तो हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए गिवन कंडीशन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी हैव कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इन दोनों ट्रायंगल्स का एक ही हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज AC। वी हैव टू प्रूव एंगल CAD, एंगल CAD इट इज इक्वल टू एंगल CBD, यह हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा चूंकि AC जो है ये दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब हो गया एंगल बी और एंगल डी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स। सिंस AC इज हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, तो आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा। तो अगर AC हाइपोटेन्यूज है तो एंगल B 90 डिग्री होगी, ट्रायंगल ADC में AC हाइपोटेन्यूज है तो एंगल D 90 डिग्री होगा। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D और दोनों एंगल्स का मेजर होगा 90 डिग्री। तो बेटा इन अदर वर्ड्स अगर आप एंगल B और एंगल D को ज्वाइन कर देंगे ना, सॉरी सम कर देंगे, तो ये क्या बनेंगे, ये इनका सम बनेगा 180। दिस इंप्लाइज एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दस इन कोऑर्डिनेटरल अगर आप देखेंगे ABCD कोऑर्डिनेटरल बन रहा है, और इस कोऑर्डिनेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम वो क्या है, वो है 180। तो देयरफॉर ABCD इज शाबाश, जिस कोऑर्डिनेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होगा 180, उस कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब कि अगर मैं अब एक सर्कल ड्रा करूंगा, वो सर्कल कहां से जाएगा, दैट विल पास थ्रू ऑल द फोर वर्टिसेस ABCD। ठीक है, तो बेटा ABCD बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सो दिस इंप्लाइज
a circle drawn with diameter. अब अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर एसी हो, ए सर्कल ड्रॉन विद डायमीटर एसी विल पास थ्रू, कहां से जाएगा वो जाएगा ए बी सी डी, वो इन चारों पॉइंट्स में से जाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी क्या बन गया, अब ये सर्कल है और ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो अब हमें जो चीज प्रूव करनी है एंगल सी ए डी, अब देखिए जो आर्क सी डी, तो सिंस आर्क डी सी या सी डी आप इसका नाम रखें, चलिए डी सी रखेंगे, आर्क डी सी सब टेन एंगल सी ए डी एंड एंगल, देखिए सी ए डी और सी बी डी एंड एंगल सी बी डी इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो आपको मालूम है एंगल इज इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, हैंस प्रूव जो एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी ये आपस में इक्वल होंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी बेटा अगर एक पैरेललोग्राम होगा जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर है सर्कल पर, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल मीन्स कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां पर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, गिवन कंडीशन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो बेटा हमें यह प्रूव करना है कि रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो पहली कंडीशन जो पैरेलल रेक्टेंगल की वो तो फुलफिल हो गई कि अपोजिट साइड इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि इसकी हर एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। प्रूव सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर एक तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ए बी होगा बराबर टू डी सी बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और साथ ही जो ए डी है ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी ये इक्वल है, और क्या होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आल्सो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई जो कि पैरेलल सॉरी रेक्टेंगल की भी एक प्रॉपर्टी है, और दूसरा है कि हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए चूंकि एबीसीडी साइकिल क्वाड्रिलेटरल भी है, सिंस एबीसीडी इज साइक्लिक साइक्लिक पैरेललोग्राम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिहाजा जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होगा 180, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, लिहाजा एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल ए
अब बेटा देखिए एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, लिहाजा मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंड यहां पर लिखिए एंगल बी, लेकिन एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर, ठीक है ना, तो एंगल डी के बदले भी एंगल बी ही लिख दीजिए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज ट्वाइस एंगल ए, 180 के बदले लिखेंगे 2 into 90। एंड एंगल बी प्लस एंगल बी इज ट्वाइस एंगल बी, 180 के बदले लिखेंगे 2 into 90, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों 90 आएंगे, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, सारे एंगल 90 डिग्री आएंगे। तो इस पैरेललोग्राम में एक तो अपोजिट साइड इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो बेटा जो ए बी सी डी है ये क्या बनेगी, ये रेक्टेंगल। तो इसका मतलब हो गया जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल होती है। तो इस तरह से जो हमारा सर्कल्स का चैप्टर है कंप्लीट हो गया। मंडे आपकी व्हाट्सएप पर एक मीटिंग होगी, उसके बाद आपकी नोटबुक चेकिंग और एग्जाम, और साथ ही साथ हम दूसरा चैप्टर उठा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। वस्सलाम।